देखिए हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुर द्वारा के रामूवाला शेखू गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी जानकारी हम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, यहां 4 साल आपके जो है कार्यकाल को पूरे हो भी चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ गाँव में दिए हैं? जैसे रास्ते हैं, रास्ते बनवाए हैं। कितने मीटर रास्ता आपने जो है पक्का करवा दिया होगा? ये तो नहीं है, फिर भी लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास करवा। कई कम से कम 5-6 किलोमीटर करवा। यहाँ पर आवास मिले हैं लोगों? हाँ, आवास मिले। कितने आवास मिले? 8 मिले हैं। 8 आवास मिले हैं। शौचालय से ही गांव आपका पूरा ओडीएफ हो गया? जी। यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये चले? सबको मिले हैं, सबको दिवाया है मैंने, सबको दिवाया है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा? जी बिल्कुल। बीजों पर सब्सिडी मिल रही है? सबको मिल रही है। बीमा वगैरह हुआ है किसानों का? बीमे भी हुए हैं। एक आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह ये सब बने हैं? ये सब बने हैं। स्कूल पर आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं? स्कूल तो कुछ नहीं करवाया, स्कूल हमारा कंप्लीट था जो है पहले से ही। मतलब आपने अपने कार्यकाल में स्कूल पर कोई भी कार्य नहीं? कोई नहीं करवाया, नहीं करवाया, पहले से ही कंप्लीट है स्कूल। तो शिक्षा का स्तर यहाँ स्कूल में कैसा है? बढ़िया है, बहुत। शिक्षक वगैरह सब समय पर आते हैं? छात्र भी उपस्थित रहते हैं? जी सब आते हैं। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा क्या है? बारात घर है यहाँ? बारात घर? हाँ, धर्मशाला है। पंचायत घर है? पंचायत घर नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है? वो है आंगनबाड़ी। खेल का मैदान है? ना, खेल का मैदान वैसे बना हुआ नहीं है, वो जो है बड़ा। शमशान घाट कब्रिस्तान यहाँ है? हाँ, वो सब चीज़ बाउंड्री वगैरह सब हो रखी है। हाँ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री है, शमशानों की नहीं। शमशान घाट की? जी। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए, विकास और ज़्यादा विकसित करने के लिए गांव को, आप क्या मांग सरकार से रखना चाहेंगे? अब पैसा और ठीक आएगा तो बढ़िया विकास होगा जो है उससे। जैसे कि किस तरह का विकास आप करवाएंगे अब गाँव में? अब जैसे कि शमशानों के लिए मौका मिले तो शमशानों को सुंदर करवा दें। अब जैसे कि मान के चलो कब्रिस्तान है, उनकी बाउंड्री है, अब शमशानों की बाउंड्री। यहाँ गांव में कैसी समस्या आप महसूस करते हैं जिसके लिए सरकार आपकी मदद करे? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे क्या समस्या आपको यहाँ लगती है? शमशानों के लिए वैसा आ जावे तो शमशानों को करवा दे में, और भी जो रास्ते रह रहे हैं पैसा बढ़िया आएगा तो रास्तों को करवा देंगे। और कितने मीटर रास्ता यहाँ अभी होगा जो कच्चा है? अभी तो खड़ंजे, काफ़ी खड़ंजे रह रहे हैं, क्योंकि कुछ रास्ते कच्चे भी थे, जैसे कच्चे बदले रास्ते थे तो कच्चे वाले से। आपने बताया यहाँ पंचायत घर नहीं है। हाँ, तो पंचायत घर के लिए भी आप कोशिश करेंगे? हाँ, पंचायत घर की भी कोशिश करेंगे। खेल का मैदान? हाँ, खेल के मैदान की भी करेंगे। पानी की स्थिति कैसी है यहाँ पीने? पानी तो ठीक है, हैंडपंप बते रहे हैं, अब कुछ कमी है तो उसकी भी मांग करेंगे जो है। हाँ, और लगे थोड़े हैंडपंप। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, इनका कहना है कि यहाँ काफ़ी विकास ये करवा चुके हैं, जैसे कि RCC रोड CC डलवाई है इन्होंने सड़कों पर, लोगों को आवाज भी दिलवाए हैं, गांव ODF भी पूरी तरह से ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं, मूलभूत समस्याएं अभी भी हैं जिनके लिए समाधान की आवश्यकता है। यहाँ प्रधान द्वारा की गई है मांग यहाँ पर एक पंचायत घर की, और शमशान घाट की बाउंड्री यहाँ पर नहीं है, उसके लिए भी ये मांग करते हैं। मैं भी नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम बताओ आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा, ये जो आपके यहाँ जो प्रधान जी ने काम कराया है, क्या बताइए आप थोड़ा प्रधान जी के बारे में? अच्छा कराया है, बढ़िया, और शायद और किसी प्रधान ने ना कराया हो पहले से। इससे पहले यहाँ रास्ते काफी खराब थे, बहुत खराब थे, वो तो शहरी खराब थे। यदि प्रधान ने यहाँ पर जो है रास्ते वगैरह सही करवाए? सही रास्ते।